देखो तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सीखे दो ना अपन। इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमारा जो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है ना, टाइप नंबर थ्री। टाइप नंबर वन हो गया है, टाइप नंबर टू हो गया है। अभी टाइप नंबर थ्री में, जैसे कि आपको पता है कि टाइप नंबर वन में हमने पूरा रेशो देख लिए, रेशो देखने के बाद में रिलेशन देख लिए रेशो के, और फिर उसके बाद में आइडेंटिटीज, और फिर उसके बाद में टेबल भी हमने वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री की जो भी वैल्यूज है वो भी हमने निकाल लिए। आज सबका मतलब यहाँ तक के सारे प्रॉब्लम हमारे हो गए हैं। अभी हम आज देखेंगे शो दैट को कैसे प्रूव करते। शो दैट में हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, नोट डाउन करके लिखता हूँ मैं यहाँ पे, आपकी किताब में, आपके बुक में भी नोट डाउन करना है इसको। क्या नोट है कि कौन सा भी देके रहो आपको, मतलब टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब अगर आपको प्रॉब्लम में देके रहता है तो उसको डायरेक्टली आप कन्वर्ट करो साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्या चीज बोला मैंने? साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। क्या देखे है अगर आपको? टैन, कॉट, सेक, कोसेक, अगर ये चीज देखे है तो आपको उस सारी चीज को क्या कन्वर्ट करना है? साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट करना। इतना क्लियर हो गया? हाँ, इधर ध्यान दो फिर। तो मैंने पहले ही बोला था कि शो दैट में दो चीजें होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, कौन सा साइड ले लो अभी सॉल्यूशन में? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। देखो जिस साइड में साइन थीटा है, कॉस थीटा है, उस साइड को हाथी मत लगाओ। क्या बोला मैंने? हाथी मत लगाओ। तो कौन से साइड को हाथ नहीं लगाएंगे अभी आप? क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या है? साइन थीटा है, तो इसको हाथ नहीं लगे। ये ट्रिक है शो दैट सॉल्व करने की, ट्रिक है। शो दैट का प्रॉब्लम हमेशा बहुत ही ईजी रहता है, 50% 60% उसमें ही देखे रहता है, उसमें से ही देख के लिखना है। देखो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। देखो क्या करना है, कौन सा साइड लेना है पहले, वो चूज हो गया हमारा। देख प्रॉब्लम देख के हम 50% इधर से, मतलब इधर ही देखना है और इधर ही सॉल्व करना है। ये इतना इजी कन्सेप्ट है। देखो म्हणजे खूपच एवढे इजी आहे हे प्रॉब्लेम, खरं सांगायचं म्हणजे की इथंच पाहायचं, म्हणजे तुम्हाला दुसरीकडे काही विचार करायची गरजच नाही आहे, खरं सांगायचं म्हणजे इथंच बघा तर इथंच लिहायचं असते। पुरे याला भीते माहीत नाही काउन भेटते कारण काय, पण मी जेव्हा सांगेन तुम्हाला तर तुम्ही कधी भिणार नाही, लक्ष ठेवा। तर लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू क्या है? सेक एक्स प्लस टेन एक्स, है ना। तो हमको क्या लाना है? लेफ्ट हैंड साइड बरोबर क्या लाना है? राइट हैंड साइड लाना है। तो sec x बराबर tan, मैंने क्या बोला, अगर sec x tan x x से रहता है तो उसको क्या करना है? sin theta एंड cos theta में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दो इधर, अभी हमको पता है sec का रिलेशन cos के साथ है, है ना। sec theta का अपोजिट क्या होता है? cos theta। बोलो तो कितना होता है? 1। मतलब हम sec को लिख सकते हैं, sec theta को क्या लिख सकते हैं? 1/cos theta लिख सकते हैं कि नहीं? इस थीटा की जगह अभी क्या आ गया है? x आ गया है, मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? x। इधर ध्यान दो फिर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/cos theta, cos x आ गया। थीटा की जगह क्या आ गया? x है, मतलब थीटा को किससे मेंशन किया है यहाँ पे? x से। प्लस tan x का भी पता है, tan x का, tan x बोले तो tan थीटा बोले तो पहले लिख लो, tan थीटा का रिलेशन और sin, sin और cos से क्या है? तो हमको पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मैंने क्या बोला, समझ में आ रही ना बात, कि जो भी tan, cot, sec, cosec है उन सबको किस में कन्वर्ट करना है? sin और cos में। तो इस tan को भी मैंने किस में कन्वर्ट किया? sin और cos में। ये हमेशा ध्यान में रखो, कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मैक्सिमम टाइम 90% टाइम आपको क्या करना है? tan, cot, sec, cosec को किस में कन्वर्ट करना है? sin थीटा, cos थीटा, क्योंकि ये 3 mark का क्वेश्चन आता है कंपलसरी एग्जाम में, इसको छोड़ना नहीं है, वैसे देख के लिखना है। तो मैं, मुझे पता चल गया कि इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी देखो ये नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है ना, खाल से बगा फर्क है ना, तो खाल दशन दशन लिखो अपन, जैसे का वैसे लिख लेते हैं। और ऊपर वाले का एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, मतलब हमको क्या मिल गया? 1 + sin x, यहाँ तक मिल गया ना। तो ये थोड़ा हमारा ऐसा लग रहा है ना आ गया करके, ऐसा वाटर है थोड़ा साले सर का, पर प्रॉब्लम क्या था ना, अगर आप बराबर देखते हो इसमें तो यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट है। क्या है? स्क्वायर रूट। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो नीचे में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? कॉस है। इसकी जगह क्या चाहिए हमको? तो इसके ऊपर मत फोकस करो, ये तो हमारा आ गया है, वो आ जाएगा अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोकस किसके ऊपर करना है अभी? कॉस। और ये वाला 1 - sin, तो ऐसा कुछ है। देखो क्या रिलेशन है, देखो थोड़ा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो हमको थोड़ा सा मैं लिख लूँ आपको समझने के लिए, समझने के लिए, हाँ समझने के लिए बोलो तो आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर लो। देखो तो हमको चाहिए 1 - sin x और हमारे पास क्या है? cos x, ऐसा है ना।
मतलब इस cos x की जगह क्या आना चाहिए, वन माइनस साइन x, क्या आना चाहिए, वन माइनस साइन x आना चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा कुछ रिलेशन है क्या, देखो अगर मैं इसको इस साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x, माइनस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ऐसा कुछ रिलेशन है क्या, इसको स्क्वायर कर दूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज़ इक्वल टू, है ना ऐसा रिलेशन। मतलब हमारा दिमाग ऐसे चलता है, एग्जाम में जब आपका काम करोगे तो ऐसे ही करना है आपको। तो मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया कि सर हमको आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा आइडेंटिटी है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा इज़ इक्वल टू वन, लेकिन हमको किसका वैल्यू चाहिए सर, कॉस का, किसका चाहिए कॉस का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर x, इस थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 1, हमको क्या चाहिए cos स्क्वायर, तो ये sin को भेज दी इस साइड, मतलब क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। लेकिन हमको बेटा cos चाहिए या cos स्क्वायर चाहिए, cos चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लिए, स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या आया, स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल, कौन सा ये वाला, ये कैसे कैंसिल होगा, ये ऐसे नहीं कैंसिल होता, यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, ध्यान दो उधर क्या है आपका माइनस है, तो नहीं तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो ऐसा कर सकते हैं कैंसिल, तो ऐसा इसमें कैंसिल होने वाला नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो आप बोलोगे कि सर इसको भी पूरा का पूरा क्या कर लो कैंसिल कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान देना ठीक है। तो ये है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख लिया यहाँ था, तो हमको पता चल गया कि कॉस एक्स का वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर ध्यान दो, ये नोट था आपको समझने के लिए। तो हमारा क्या आ रहा है अभी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड, अभी हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो पुट, पहले बोल देता हूँ मैं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स लिख लिए सर, ये तो 1 माइनस साइन एक्स है, इधर 1 प्लस साइन एक्स है, है ना, थोड़ा आय समान लग रहा है ना, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसमें भी क्या चाहिए स्क्वायर, लेकिन मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ ना, अगर 5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं ना, मतलब इसका ही मतलब ऐसा होता है ना, रूट 5 का क्या होता है होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर कितना है, मतलब इसको भी मैं लिख सकता हूँ दो बार, क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में और रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स दूसरे ब्रैकेट में, समझ में आ गए, आ गया हमारा, चलो एक हो गया। फिर नीचे वाला सर, इसमें थोड़ा सा हमको ये डाउट लग रहा है, क्या डाउट है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किए तो भी कितना था 1, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना सर, इसको ये ऐसा हो गया क्या सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है, ए का, ए किसका है, बी का, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है थोड़ा थोड़ा, तो ये क्या हो गया सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, समझ लो ना, कसा केला तुम्ही याला, याला सिंपल काय केला, एक चा वर्ग लिहिला 1 स्क्वायर, याला कशाचा लिहिला साइन एक्स होता त्याचा फक्त काय लिहिला होल स्क्वेअर, मग हे काय झालं ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, म्हणजे याला काय लिहिते आहे ए प्लस बी ए मायनस बी, म्हणजे ए ची व्हॅल्यू काय झाली रे 1 आणि बी ची व्हॅल्यू काय झाली साइन एक्स, लिहिलं मी, तर बस इसको हम ऐसे लिख सकते, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं 1 मायनस साइन एक्स हां इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये भी स्क्वेअर रूट में है, स्क्वेअर रूट सेपरेट कर दू, मतलब 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स हो गया, ऊपर वाला है बाबू, ऊपर वाला है, ठीक है ध्यान दो, और नीचे में क्या है रे बाबू, एक बार ध्यान दो, 1 माइनस साइन एक्स हो गया, इसको सेपरेट कर लेता हूँ इंटू 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, नहीं ना बिल्कुल, हाँ तो क्या कट गया देखो, अभी यहाँ पे क्या कटेगा, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स हो गया ना पूरा, तो क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स आ गया क्या, इसको अंदर डालना है बस, तो देयरफॉर ये क्या चला जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स
अपॉन वन माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो देयर फॉर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, दैट इज देयर फॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बाद में निकला हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, समझ में आया क्या। देखो एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसको थोड़ा, so that sec x plus tan x is equals to square root of 1 plus sin x upon 1 minus sin x। पहली चीज मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी हमको tan cos sec cosec दिया है उसको किस में कन्वर्ट करना है, है ना, sin आणि कशामध्ये cos मध्ये कन्वर्ट करायचं, into मध्ये नाही म्हणता ते, and and चा अर्थ काय होते आणि, एक ते त्याला sin मध्ये बनवा नाही तर cos मध्ये बनवा जे काही दिलं असेल, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको जो दिया है उसमें से पहले पहचानो कौन से साइड लेना है आपको, वो जरूरी है, कौन से साइड लेना है, जो ऑलरेडी कन्वर्ट होके है उसको हमको लेना नहीं है, लेकिन जो कन्वर्ट होके नहीं है उसको हमको लेना है ना, जे कन्वर्ट करू ना तिला कशाला हात लावायचा, जे कन्वर्ट नहीं हो ना तिला पहले घेतलं मी, काय घेतलं sec x plus tan, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sec x plus tan x, कन्वर्ट केलं त्याला कशामध्ये वन अपॉन cos x plus वन अपॉन सॉरी प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कन्वर्ट किया आला थोड़ा पर, आने के बाद मैंने बोला कि अभी कुछ हो सकता है, आइडेंटिटी लगा लिए तो बाद में पता चला कि कॉस एक्स का आंसर भी हम लिख सकते हैं, लिखने के बाद डाल भी दिए, लेकिन पता चला कि ऊपर भी हमको क्या चाहिए स्क्वायर रूट, तो मैंने बोला हाँ ऐसा कुछ लिख सकते हैं, तो बोला इसको दो बार लिख सकते हैं, तो दो बार लिख लिया, फिर नीचे वाले को कन्वर्ट किया कि ऐसा, देखो एग्जाम में भी आपको साइड में ऐसे लिख के रखना है, ठीक है, और बाद में पता चला कि दोनों कट जाएगा, आंसर हमारा हैंस प्रूफ। तो मैक्सिमम मैंने कहाँ से देख के लिया, इधर देख रहा था इधर सॉल्व कर रहा था, इधर देख रहा था इधर सॉल्व, जेव्हापासून मी तुम्हाला शिकवतो शोधायचे ग्रंथ तुम्हाला एकच ग्रंथ सांगतो, तिथून पाहायचं तिथंच लिहायचं, तिथून पाहायचं तिथंच लिहायचं, तर हे कन्सेप्ट तसं आहे, वैसे देखो वही पे लिखो, ठीक आहे, लिख लो पूरा।